राधे कृष्णा दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति एंड अनुराग सामान में। लेने मम्मी जा रही है सीबू की शादी में। मामा की लड़की की शादी है। अनुराग और इन्होंने भी स्वेटर पहन रखा, ठंडा बहुत होने लगा है और मैंने ही आज पहली बार स्वेटर पहना है। और अगल बगल अंकल लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। बाइक पे जाते टाइम बहुत अजीब सा सब लोग देख रहे हैं, अगल बगल रिएक्शन दे रहे हैं। थोड़ा तेज चलाओ ना, शोर हो रहा होगा बहुत यहाँ पे, रोड पे शोर भी बहुत हो रहा है। माइक नहीं है हम लोगों के पास। मेरा ब्लॉग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे सब्सक्राइब भी बहुत करिएगा। आगे हम लोग मार्केट पहुँचेंगे फिर वहाँ की वीडियो क्लिप बनाते हैं। रास्ते में हमारा मन किया हम मंदिर हो लें, फिर हमें अनुराग मंदिर गए। उसके बाद हमें टिक्की दिख गई तो हमारे मुँह में पानी आ गया। हम लोगों ने टिक्की खाई, फिर बतासे खाए। ये पता नहीं किसका होगा। मुझे मम्मी की साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ लेनी थी, कड़े लेने थे, तो वही मैं सबसे बताया कि ढूंढ रही थी, मगर उससे वैसे जैसे चूड़ी चाहिए थी वैसे मिल नहीं पा रही थी। फिर मैंने एक जगह गुनगुन के लिए एक फ्रॉक देखी उलेन की, क्रोसिया टाइप की जो थी, मगर मैंने दिल्ली ही नहीं उससे पसंद तो आ रही थी मगर मैंने जल्दी जल्दी की वजह से ली नहीं। गुनगुन को मैं घर ही छोड़ कर गई थी, वो परेशान हो रही होगी इस वजह से मैंने वो नहीं ली। और मम्मी के लिए मैं चूड़ियाँ इधर से उधर सब जगह देख रही थी, फिर लास्ट में मैंने मम्मी के लिए कड़े और चूड़ियाँ खरीदी। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े घर के लिए वापस। हेलो गाइस, यूपी की सबसे बड़ी यूट्यूबर खाना बना रही है। ये देखो हमने मूली की भुजिया बनाई है, मूली की भुजिया, और ये देखो मूंग की दाल और रोटी और रोटी हाँ। और मूली नहीं खाने में, मूली है, मिर्चा भी, मिर्चा भी तो भूनी है, मिर्चा भूनी है, नींबू काट लेंगे, भी काटेंगे, बस ठीक मजा आ जाएगा। थक गए थे इतना ही बनाया खाना, बस सुबह बनाया थी पनीर की सब्जी और पराठा। वो सब्जी बची है, खत्म हो गई अभी है, ये मम्मी ने साबूदाना की खीर बनाई है पनीर। अच्छा पनीर वाली सब्जी है? नहीं है, खत्म हो गई। मूली की भुजिया भी अच्छी लगती है, देखेंगे ना लोग। सारा सामान मम्मी के लिए था, स्टॉल, बिंदी, उनकी चूड़ी, कड़े, सारा सामान था। और थोड़ा सामान अभी बचा हुआ है, फिर किसी दिन जाना पड़ेगा मम्मी के लिए। एक मैं मैक्सी लेके आई, उनके मैचिंग के कड़े, गुंडली, शूज़ वगैरह सब लाकर मैंने थोड़ा बहुत सामान जो ले पाया जल्दी जल्दी में, फिर किसी दिन और मार्केट जाके और सामान लाना पड़ेगा, अभी पूरा नहीं हो पाया। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।